एग्जाम्पल और देख लो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने दो नाम लिए हैं, रवि और बंटी, और यहाँ पे एक नाम लिखा आस्था, आस्था बुआ जी हैं हमारी, ठीक है, बोलो आस्था बुआ की जय हो, जय। तो देखो क्या कहें, रवि और बंटी दो नाम ले लिए, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुआ, क्या लिखा बुआ, ठीक है, आस्था बुआ है, तो भैया दो लोगों की तो एक बुआ हो सकती है, नहीं हो सकती है, रवि की भी बुआ का नाम आस्था है, बंटी की भी बुआ का नाम आस्था है, तो बोलो आस्था बुआ की जय हो। तो भैया देखो, दो एलिमेंट्स की एक इमेज, दो एलिमेंट्स की एक इमेज है कि नहीं, सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में एक इमेज हो सकती है, तो ये दो एलिमेंट है एक इमेज है, ठीक है। देखो पहली कंडीशन तो फुलफिल है, कोई एलिमेंट खाली नहीं, सबकी एक यूनिक इमेज है कि नहीं, दोनों की देखो एक यूनिक इमेज है, ठीक। तो भैया ये क्या हुआ, एक फंक्शन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो भैया देखो यहाँ पे x, ये x होगा, ये y होगा, ठीक। अगर x का देखो यहाँ लिखा x स्क्वायर, अगर भैया मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना मिलेगा 25, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिला, और अगर मैं -5 का स्क्वायर करूं तो भी 25 मिलेगा, तो -5 का स्क्वायर किया तो भी 25 मिलेगा, रवि और बंटी दोनों की बुआ आस्था, दोनों की बुआ आस्था, आई बात समझ में।